वेलकम टू माय चैनल कुक बुक बाय सुधा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है उपवास की कढ़ी और चावल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको उपवास की कढ़ी चावल के अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी के लिए जो कढ़ी चावल हम बना रहे हैं, उसके चावल ये सामो राइस मैंने आधी कटोरी लेके उसको पानी में 2 घंटे से भिगो के रख दिया है। ये भीगे हुए चावल है। और साथ में कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये 2 चम्मच इस साइज के, मैं इसके अंदर मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा, और साथ ही उसी चम्मच से मैंने नाप कर 4 चम्मच मैंने लिया है दही। और साथ ही इसमें डालने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे सैदा नमक है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये थोड़ा सा अनारदाना है। अगर इसकी ज़रूरत है तो आप डालिए, नहीं ज़रूरत है तो आप मत डालिए। और इसकी जगह आप नींबू का भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये है मेरे पास 1 हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है, और 2 मेरे पास साबुत मिर्च है जो कि मेरे बाद में काम आएगी। और थोड़ा सा मेरे पास है हरा धनिया। हरा धनिया तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर देता है और देखने में भी लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में थोड़ी सी मेरे पास ये है अदरक, और थोड़ा मैंने इसके लिए लिया है कड़ी पत्ता जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरे पास कुछ खड़े मसाले भी हैं। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले हैं जो ये 2-3 मैंने लिए, ये लाल मिर्च साबुत, 1 मेरे पास मोटी इलायची है, ये बे लीफ है मेरे पास, और ये 2-3 मैंने लिए हैं लौंग, ये 3 मेरे पास लौंग है, और थोड़ा सा मैंने लिया है जीरा। इसके साथ ही कुछ ऑयल की जरूरत होगी और पानी की जरूरत होगी जो चावलों में भी डालने के काम आएगा, और साथ में हमारे कढ़ी में डालने का भी काम आएगा। जितनी हमको आवश्यकता होगी हम उतना पानी यूज कर लेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये आटा है इसको हम डाल लेते हैं, जो सिंघाड़े का आटा है, और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ये जो दही मैंने लिया है 4 चम्मच इसको भी मिक्स कर लेते हैं, और ये हम डालते हैं इसके अंदर नमक, 1 चम्मच नमक तो इसके अंदर डल ही जाएगा, और बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ये मैंने डाला है रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा मैंने बचा लिया जो कि मेरे बाद में काम आएगा। थोड़ी मैंने डाली है काली मिर्च, काली मिर्च सारी ही डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अनारदाना। इन चीजों को लेके हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घोलते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े। अब दही और जो हमारा आटा है दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और हम क्या करते हैं, इसमें पानी थोड़ा और डाल लेते हैं। थोड़ा पानी इसके अंदर आपको खुला ही डालना पड़ेगा क्योंकि ये आटा भी थोड़ा फूलेगा। इसके बाद भी हमें थोड़े पानी की जरूरत होगी, तो जब हम कढ़ी को छोंक लेंगे तो उसके बाद हम इसमें पानी और मिला देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी कढ़ी छोंकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना पैन चढ़ा दिया है कढ़ी के लिए, और उसमें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। मैंने 1 सर्विंग स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है, और दूसरी तरफ क्या किया, अपने टाइम को बचाते हुए मैंने जो मेरे पास चावल थे उसको मैंने डाला इसके अंदर, और जितने चावल हैं उससे डबल पानी डाल के थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी नमक डाला है, और थोड़ा सा 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। साइड बाय साइड हमारे ये चावल भी उबल जाएंगे, हम दोनों को देखते रहेंगे, और इधर हमारा ये कढ़ी का मसाला तैयार हो जाएगा। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम क्या करते हैं जो हमारे पास खड़े मसाले हैं उनको डालते हैं। लौंग, और ये हमारे पास है बे लीफ, इसको हम डाल लेते हैं। अब ये हमने इसके अंदर जो हमारे पास एक बड़ी इलायची थी वो भी डाल दी, और 1 मिर्च है वो भी हमने डाल दिया है। थोड़ा सा जो अदरक हमने लिया हुआ है हम इसको भी डाल देंगे, अदरक है, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता थोड़ा हमने बचा के रखा है क्योंकि हमें बाद में छौंक लगाना है उसके लिए, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्च। सबको मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का भुन गया है ये हमारा, और अब हम क्या करते हैं कि जो हमने अपना ये
आटा दही में घोल के रखा है, इसको हम डाल लेते हैं। फ्रेंड्स अब इसको हमने लगातार चलाते रहना है और पानी जितना भी आपको कम लगे उसके अंदर आप और डाल लीजिए। हाथ को रोकना नहीं है, जब तक इसके अंदर एक अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक इसको ऐसे घुमाते रहना है। जैसे उबाल आ जाएगा तो हम गैस को सिम करके फिर हम चाहे इसको अपने हाथ को थोड़ा रोक सकते हैं। कढ़ी को अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसको गैस को धीमी करके इसको 10 मिनट या 12 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको उबाल लेते हैं। अच्छी पक जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। इधर हम देख लेते हैं हमारे चावल भी बन रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। इसको भी एक दो बार बीच में हिला देना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि समा के चावल हैं नीचे लग सकते हैं। बस अब 2-3 मिनट में ये चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और कढ़ी भी लगभग हमारी तैयारी हो गई है। बस अब मैं दोनों गैस को बंद कर देती हूँ और कढ़ी के लिए थोड़ा सा छौंक तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने पैन गरम करके इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी से जरा इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हल्का सा मैंने जीरा डाला क्योंकि जीरा ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये डालूंगी। 2-3 मैंने ये लाल मिर्च रखी है, तोड़ के इसको डाल लेते हैं। इससे जरा फ्लेवर भी अच्छा आता है और थोड़ा उसका कलर भी अच्छा होता है, लुक भी अच्छी लगती है। थोड़ी सी मेरे पास ये मिंट का पाउडर है, ये मैं डाल देती हूँ। और ये मेरे पास है कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ये है हमारे पास हरा धनिया। इसको हम डाल के बस अपना छौंक तैयार कर लेते हैं। कढ़ी हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। कढ़ी चावल, व्रत की कढ़ी और व्रत के चावल बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। ये चावल बनाए हैं, इसके अंदर मैंने जरा सा देसी घी डाल दिया है और हल्का सा इसके अंदर नमक डाला है। आप चाहे तो इसके अंदर इसको जीरे से भी छौंक सकते हैं, जैसे कि हम अपने नॉर्मल रोज के चावल छौंकते हैं। और ये फ्रेंड्स हमारी कढ़ी देखिए तैयार हो गई है, कितनी अच्छी। ये कूटू के आटे और दही से जो हमने कढ़ी बनाई है व्रत की कढ़ी है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनी होगी। तो आइए आज का व्रत हम अपने कढ़ी चावल के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा तरीका पसंद आया हो कढ़ी बनाने का, तो आप एक बार अपने घर पर हमारे तरीके से जरूर कढ़ी बनाएं और चावल भी इसके साथ जरूर बनाएं, क्योंकि कढ़ी का चावलों के बिना कुछ मजा नहीं आता है कढ़ी में, जब तक उसके साथ चावल ना हो। चाहे वो बेसन की कढ़ी हो, चाहे वो सिंधी कढ़ी हो, चाहे वो ये कूटू के आटे की कढ़ी हो, व्रत की कढ़ी हो, इसके साथ चावल जब तक ना हो तब तक मजा नहीं आता है। इसलिए कढ़ी चावल का मजा आप इन नवरात्रों में जरूर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखकर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हम जब तक नई रेसिपी लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।